मित्रों, दोस्तों एंड फ्रेंड्स, आज मंगलवार 21 अगस्त 2018 की शाम डायलॉग विद प्रोफेसर निर्मल गुप्ता में आप सभी का दिल से सादर अभिवादन, खुशामदीद एंड वेलकम करता हूं। पिछले हफ्ते शुक्रवार 17 अगस्त की शाम को हमने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की चर्चा में समानता के अधिकार की 3 भागों की सीरीज पूरी की थी। इन तीनों भागों में हमने नागरिक अधिकारों के लगभग 3500 साल पुराने वैदिक इतिहास से लेकर मध्ययुगीन यूरोपियन और भारत के गणराज्य बनने से लेकर आज के भारत और उसकी दशा और दिशा की चर्चा की थी, अच्छी बुरी जैसी भी है सच्ची हकीकत पर नजर डालते हुए और उसके आज पर पड़ने वाले असर तथा सुदूर भविष्य में होने वाले परिणामों के बारे में भी कुछ बात की थी। आपके पास जब भी कभी 10 से 12 मिनट की फुर्सत हो और मन भी हो तो अभी तक के पिछले सभी डायलॉग्स YouTube के सर्च बॉक्स में डायलॉग विद प्रोफ निर्मल गुप्ता लिखकर बहुत ही आसानी से पाकर अपनी सुविधा अनुसार सुन सकते हैं। यदि आप इस चर्चा को लाइव सुन रहे हैं और आपके मन में सवाल उठ रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि वे चर्चाएं आप सभी को अच्छी भी लगेंगी और आपको कुछ नई जानकारी भी देंगी। अच्छी और उपयोगी लगें और उससे भी अधिक निष्पक्ष लगें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों साथियों को भी सुनने और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। खासतौर पर युवा और नए वोटर्स के बीच एक बैलेंस्ड नजरिया बनाने में मदद करने के लिए आज के 26वें एपिसोड को शुरू करने से पहले मेरी हर चर्चा के मूल मंत्र को हमेशा की तरह दोहरा दूं। पहला, कि हमारी चर्चा का एक भी शब्द किसी पार्टी विशेष अथवा विचारधारा से कोई सरोकार नहीं रखता है। दूसरा, हमारी चर्चा सिर्फ और सिर्फ हमारे पवित्र संविधान को संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीकों से भारत के नागरिकों में पवित्र संविधान के बारे में जागरूकता पैदा करके उनमें लिखित मूल प्रस्तावों को एक बार फिर से भारत के हर नागरिक और गणराज्य के हित में पुनर्स्थापित करने और आज के सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का एक सच्चा और निश्चल प्रयास पर है। तीसरा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, आप सभी को यह रिमाइंड करना है कि जनतंत्र की धुरी या उसके केंद्र में इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नागरिक, यानी कि आप, मैं और वे सब जिनके पास एक सॉवरेन या संप्रभु डायरेक्ट सिंगल वोट की ताकत है। जिसके पास भी अपना सॉवरेन वोट नहीं है उसका ना तो संविधान में और ना ही संविधान के मंदिरों में यानी कि नागरिक सभाओं में, गांव की पंचायतों से लेकर संसद के दोनों सदनों में वे पूरी तरह से शक्तिविहीन हैं। वहां का मालिक है सिर्फ और सिर्फ नागरिक, आप। आपको याद होगा मैंने मौलिक अधिकारों की इस सीरीज के 23वें एपिसोड में भारतीय वैदिक काल से लेकर मध्ययुगीन मौर्य काल के पतन तक की बात की थी, जिसके बाद भारतीय इतिहास 6वीं शताब्दी एडी से लेकर 15वीं शताब्दी एडी तक का भयानक काला दौर चला। इस समय भारत ने सामाजिक कुरीतियों को, जिन्हें हम आज बड़ा हुआ देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, जन्म दिया, पाला पोसा और आज तक जिंदा रखने के लिए मजबूत भी किया। कभी समय मिला तो इस काले और बहुत ही विवादित इतिहास की चर्चा हम एक अलग एपिसोड में करेंगे और जानेंगे कि भारत वैदिक भारत से हिंदू भारत कैसे बना। चलिए चलते हैं पश्चिम की ओर। जहां पूर्व में भारत सोने की चिड़िया बना हुआ था तो पश्चिम में ग्रीक रोमन साम्राज्य अपने चरम पर था। इस विषय में शायद कोई विवाद नहीं होगा यदि मैं कहूं कि पश्चिमी सभ्यता और उसके दर्शन यानी कि फलसफे का जन्म प्राचीन ग्रीको रोमन साम्राज्य से शुरू हुआ था। ईसा के जन्म से पहले पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, जिन्हें आप अरिस्टोटल के नाम से जानते ही होंगे, ने अपनी महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स, जो उनकी रचनाओं के संग्रह कॉर्पस एरिस्टोटेलिकम का एक भाग है, लिखा है, Man by nature is a political animal. ऐसा लिखने के पीछे उस महान दार्शनिक की क्या मंशा रही होगी, ये आज के वैश्विक और भारतीय परिदृश्य में समझना बहुत ही सरल जान पड़ता है।
वह इसलिए कि आज जहां अधिकतर लोग सामंजस्य के साथ जीना तो चाहते हैं, मगर अपने भीतर बैठे राजनीतिक पशु की पशुता के कारण उन्हें इंटीग्रेशन एंड सिंथेसिस के साथ जीना बहुत ही कठिन जान पड़ता है। बड़ी विचित्र बात है कि भारत की महान वैदिक परंपरा से निकला और संभवतया पूर्ण रूप से भुला दिए जाने वाला मंत्र वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अब सिर्फ मंचों पर लगे स्क्रीन पर या कथनी और करनी से कोसों दूर किसी ड्रामेबाज राजनीतिक या चोलाधारी ढोंगी के भाषणों में तालियां ठुकवाने के लिए सुनाई दे जाता है। जिस समय भारत के गुप्तकालीन स्वर्णिम युग का दौर खत्म होने के कारण अपने काले युग में प्रवेश कर रहा था, उसी समय ग्रीक रोमन साम्राज्य अपने पतन के साथ यूरोप के रेनेसों और एज ऑफ डिस्कवरी के पीरियड में एंटर कर रहा था। यूरोप में नए साम्राज्यों का बनने और बाहर की दुनिया को खोजने का सिलसिला शुरू हो चुका था। उसी 1600 एडी के काल के कमजोर भारत में अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लेकर आए थे। इन सब की चर्चा काफी लंबी हो जाएगी और इसलिए उसकी चर्चा कभी किसी और एपिसोड में करेंगे। आते हैं 1700 एडी के मध्य के विश्व में, जिस समय शुरू हुई पश्चिम की औद्योगिक क्रांति और उस औद्योगिक क्रांति के कारण उनके भीतर की खोखली मगर क्रूर और दमनकारी सामंती और राजशाही व्यवस्था के खिलाफ शोषित समाज के एकजुट होने के सुअवसर की। सामंतों की पकड़ ढीली होने के साथ साथ आत्मिक मानसिक नैतिकता और धर्म का पतन भी शुरू हुआ। यहाँ धर्म शब्द को रिलीजन से जोड़ने की भूल न कीजिएगा। मेरा आशय उस धर्म से है जो जन्म लेता है मानव के चरित्र से और धारण किया जाता है हमारे आपके कर्मों द्वारा। बात को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण दे देता हूँ, अन्यथा ना लीजिएगा। मेरे पूर्वज का धर्म रहा होगा व्यापार, मगर मैं अध्यापन करता हूँ, ऑपरेशन के दौरान हाथों में सर्जिकल नाइफ का यूज करता हूँ और बीमारों की सेवा के दौरान उनके थूक मलमूत्र इत्यादि को भी उठाता हूँ। तो मेरा धर्म क्या हुआ? मेरे पिता ने सारे जीवन क्षत्रिय कर्मों के धर्म का पालन किया क्योंकि वे भारतीय पुलिस के एक उच्चाधिकारी थे। आप अपने कर्मों से जुड़े धर्म को इस तरह से देख सकते हैं। इन उदाहरणों से मेरे द्वारा कहा गया शब्द मौलिक धर्म का सही अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। खैर, इसी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पश्चिमी समाज में वर्गों का उदय हुआ और शोषण के बदले हुए स्वरूप में वर्ग संघर्ष का भी। इसी वर्ग संघर्ष के कारण आर्थिक नुकसान और हिंसा से होने वाले खतरों को सीमित करने के लिए शासकों ने बड़ी ही चतुराई से शोषित वर्ग की मानसिक धारा को फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की मांग की तरफ मुड़ता हुआ देख मौलिक अधिकार के सिद्धांत का जन्म होने दिया और इसी के साथ बने संविधान और उनके संवैधानिक संस्थान विश्व के अलग अलग देशों में। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, उसके पीछे कुछ प्रश्न, कुछ उत्तर और कुछ तर्क भी हैं। उन्हें मैं आपसे कहता हूँ, आप अपना स्वतंत्र निर्णय बनाने की प्रक्रिया में उन्हें ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ मदद ही मिलेगी। आइए, आपका स्वागत है। भारत के संविधान के चैप्टर 3 में बहुत से आर्टिकल देश के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार को विस्तार से इनुमरेट और एक्सप्लेन करते हैं। नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी के तहत वे सभी भारतीय भारत के नागरिकों के रूप में शांति और सद्भाव से अपने जीवन का नेतृत्व कर सकते हैं, ऐसी उसमें परिकल्पना है। दुनिया के सभी उदार लोकतंत्रों के समान हमारे देश के संविधान में भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धर्म धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होने, चर्चा करने और रिट के माध्यम से नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपायों जैसे हैबियस कॉर्पस के अधिकार शामिल हैं। ये सब मिलाकर बनाते हैं भारत के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता के अधिकार। बहुत हद तक आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि आधुनिक वैश्विक समाज की भांति हम सभी की अकाट्य सोच है कि अधिकारों और कर्तव्यों के बिना किसी भी सभ्रांत समाज, राज्य अथवा देश और उससे भी आगे संपूर्ण विश्व में कोई कानूनी व्यवस्था हो ही नहीं सकती। जहां कानून नहीं वहां शांति नहीं, एकदम सीधी सपाट 16% खरी बात है। कई सोचते हैं और कभी कभी तो संविधान निर्मात्री सभा और पवित्र संविधान की आलोचना करते हुए ये कहने से भी नहीं चूकते कि इट्स जस्ट ए कॉपी एंड पेस्ट थिंग, वी नीड टू स्क्रैप इट ऑल एंड रीराइट द एंटायर थिंग। दुख होता है कि विश्व के राजनीतिक इतिहास और भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक
और सामाजिक इतिहास को न जानने की वजह से ही इस तरह के विचार मन में उभरते हैं। हाल ही में 9 अगस्त गुरुवार को एक घटनाक्रम दिल्ली में हुआ, जब कुछ देशद्रोहियों ने संविधान की पवित्र पुस्तिका को दिल्ली पुलिस की आंखों के सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर खुलेआम जला डाला। विचार कीजिए कि संविधान ने हम सभी को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, जिनमें अभिव्यक्ति की आजादी प्रमुख है, मगर इसे आप क्या कहेंगे, आजादी? जरा विचार कीजिए, ऐसी अवस्था में आप क्या सोचते हैं और आपका तटस्थ भाव क्या कहता है? अपनी वाणी को विराम देने से पहले कि हर मंगलवार शुक्रवार की शाम को इसी तरह अगले शुक्रवार 24 अगस्त 2018 को हम एक बार फिर मिलेंगे डायलॉग विद प्रोफ निर्मल गुप्ता में, अपने इस वायदे के साथ कि अगली बार हम बात करेंगे भारत के नागरिकों को संविधान में दिए गए नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार के भाग 2 में और जानेंगे उसके असली अर्थ को भारत की परंपराओं और आज के राजनीतिक परिदृश्य को सामने रखकर, मगर बिना किसी पार्टी या विचारधारा से प्रभावित हुए बिना। मैं दिल की गहराइयों से ये उम्मीद, विश्वास और एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप आज की चर्चा पर अपने परिवार और साथियों के साथ विचार करेंगे, अपना स्वतंत्र निर्णय बनाएंगे और भारत के पवित्र संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और राष्ट्रभूमि में जनतंत्र की स्थापना और प्रसार के महान प्रयास में अपना योगदान करने की बात सोचेंगे। शुक्रिया कहते हुए आप सभी सुनने वालों से विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, शब खैर एंड गुड नाइट। जय हिंद। Thank you.